नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि जो बीपीएससी का जो कट ऑफ है उसकी रियलिटी क्या है, कितना जाएगा। ऑलरेडी मैंने कट ऑफ पे वीडियो बना दिया है, अपने चैनल पे मैंने लोड किया हुआ है। उसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि पेपर का लेवल कैसा होता है, कैसे बच्चे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, कितने कितने बच्चे हार्ड और इजी क्वेश्चन को जानते हैं और कितने बच्चे जो है एकदम परफेक्ट तरीके से करते हैं, क्या है सब कुछ एनालिसिस मैंने उस वीडियो में किया है। मैं इस वीडियो को इसमें नहीं लाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बात ये करना चाहता हूँ कि जो लोगों के मन में बना हुआ है, जैसा कि मेरे थंबनेल पे भी है, क्या 30 से 35 जो है मेरिट जाएगी, इस पर मैं बात करूँगा। तो देखिए, मेरिट के बारे में अगर बात कर दूं पहले आपसे, तो एग्ज़ाम सबसे बड़ा इंडिया का यूपीएससी का होता है, उसमें जो 50% पाने वाला वो भी टॉपर होता है, और ये मेरिट बहुत नीचे चली जाती है सीट को भरने के लिए, जो भी 1800 सीट 1000 के अंदर ही आता है उनका। तो बात को सारा समझिए, यहाँ पर पहले सीट के बंटवारे में आज समझिए, मान लीजिए 100% पहले सीट था, तो 75% जो है ये बोला गया कि फिल किया जाएगा और 25% को इस तरह रिजर्व करके रखा रहा जाएगा। ये बात कब की है, जब बीएड वालों का कोर्ट में मैटर चल रहा था। अब उसके बाद जब ये हुआ कि जब बीएड वालों का कोर्ट में मैटर्स में जब आ गया निर्णय कि इनको नहीं रखा जाएगा पीआरटी में, इनको बाहर कर दिया गया, तो अब ये दोनों जो है सीटें जो है मर्ज हो गई, मतलब मिल गई, और ये टोटल कितना परसेंटेज आपकी हो गई, 100% हो गई। अब बात समझिए, सीट ज़्यादा हो गई, लेकिन अब कंडीशन क्या बनती है आगे, कि उसमें ये बात बताई गई थी कि 75% जो है भरना ही है हर हाल में। तो देखिए, यहीं पर अब है वो मेरिट वाला चक्कर क्या है, पेपर का जो लेवल था वो हार्ड था, ये सबको पता है कि पेपर हार्ड था, और जब पेपर हार्ड है तो बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो कट ऑफ गिरेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ गिरेगा वो किस कैटेगरीज में लोगों को फ़ायदा होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पे संख्या कम रहेगी वहाँ पर। अब उनकी मजबूरी है, सीट को भरना है, तो सीट को जब भरना है तो अब वो क्या करेंगे, कट ऑफ को नीचे लेके जाएंगे, कट ऑफ को नीचे लेके जाएंगे, तो ये जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि 35 से 40 हो जाएगा, या 30 से 35 भी हो सकता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आपने जो वीडियो बनाया कट ऑफ में, उसमें जो आपका स्टार्टिंग है वो 40 है 43 है। हाँ जी, है उस पर भी मैं आता हूँ, 40 से 43 है। लोग कह रहे हैं कि आप बीपीएससी का जो भी है बयान नहीं सुने, उन्होंने क्या कहा था, ये मेरा सबसे लोवेस्ट मेरिट का जो कट ऑफ है मैंने अपने वीडियो में बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, कल का ही वीडियो है। उसका आधार मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है किसके लिए लागू हो सकता है, अगर बच्चे जो है हार्ड स्कोर जो भी है इन लोगों का हार्ड पेपर में जो स्कोर है वो नहीं कर पाए, तो ये सिर्फ बिहार का जो भी कैंडिडेट होगा उसको फ़ायदा होगा, वो भी किस कैटेगरी का, EWS का होगा या OBC का होगा या ST ST का होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कैंडिडेट बहुत कम है, सीट ज़्यादा है। बिहार स्टेट में जो है कैंडिडेट, मतलब बोल सकते हैं कि पूरा टोटल सीट थी 3.9 लाख, 3,90,000 में अगर देखा जाए ध्यान से, तो जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो लगभग हैं इस सीट का जो है 60% हैं। 60% का मतलब कि 2,40,000 जो है स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट के हैं, मतलब कि जनरल और अदर दोनों मिला के रहेगा, जनरल को भी उसी में काउंट में कर रहा हूँ ना, तब इतना हो रहा है, तो जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट मिलाकर 2,40,000 हो रहे हैं, इसी में कंपटीशन ज़्यादा है और इसी का जो मेरिट है हाई जाएगा, मेरिट हाई जाएगा, और इसी मेरिट हाई की वजह से बहुत लोग जो है इसमें छट सकते हैं, क्योंकि इसकी सीट फिक्स है और इसका सीट नहीं बढ़ेगा। समझ लीजिए कि जनरल का जितना सीट है उतना ही ना लोगों को भरा जाएगा, तो ज़्यादा बच्चे तो जनरल में आ गए, चाहे वो बिहार स्टेट के हों या अदर स्टेट, दोनों काउंट होंगे, तो 2,40,000 तो ऐसे ही हो गए। अब
जो सीट बच रही है अब 3,90,000 में से 40% जो सीट बचेगी, लगभग 1,60,000 जो भी होगा, 1.5 लाख के आसपास, तो उन सीटों पे जो है बिहार स्टेट के लोग रखे जाएंगे, तो वो मेरिट जाएगा बहुत नीचे। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर बीपीएससी जो है ये काम करेगी कब, कि जब उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो बची हुई सीट को भरने के लिए, तब वो मेरिट को क्या करेगी कि नीचे गिरा देगी, मेरिट जो है लो हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो है इतना मार्क्स आ सकता है जहाँ पे मैंने लिखा है कि 30 से 35 या 35 से 40। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बिहार स्टेट के इतनी सारी कैटेगरीज में, अब इसमें भी किसको 35 से 40 और 40 में फ़ायदा होने वाला है, कि इन तीन कैटेगरीज में फ़ायदा होगा, ओबीसी, एससी और एसटी को, अभी भी ईडब्ल्यूएस जो है इससे बाहर है। समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस को जो है 35 से 40 या जो भी है 40 से 45 पे वो आशा छोड़ दे, ईडब्ल्यूएस को इतना पे नहीं मिले। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। आप जब मेरा वीडियो देखेंगे एनालिसिस के साथ कि मैंने कैसे कटअप तैयार किया है, पेपर का लेवल क्या था, उसमें कौन कौन से बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, मैंने सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है, उस वीडियो में आप जाके समझेंगे तो आपको कटअप समझ में आएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मुझे यही समझाना था कि कटअप 35 से 40 या 30 से 35 भी जा सकता है, ये केवल उन कैंडिडेट के लिए जाएगा जो बिहार में हैं, बिहार स्टेट के हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बिहार स्टेट में जो है वो संख्या उन सब की कम है, सीट ज़्यादा है, और जनरल सीट पे बिहार के भी जनरल हैं, अदर स्टेट के हैं, और अदर स्टेट के फॉर्म ज़्यादा हैं और सीट क्या है कम है। और जब ये मेरिट जाएगी तो किन कैटेगरीज को फ़ायदा होगी, उसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लोग रहेंगे, इन्हीं लोगों को जो है फ़ायदा होगा। समझिए ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो इसमें नहीं आएगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट मैंने कटअप बनाया है वही रहेगी, आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो को, मेरे ही चैनल पे है, आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आप वहाँ पे जाकर वोटिंग कर सकते हैं, इससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं। मैं आज जो है कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जो स्टेट वाइज रहेगा, कि मतलब कैटेगरीज वाइज रहेगा कि आप किस कैटेगरी से करते हैं और उसका जो है कितना नंबर क्या क्या रेंज रहेगा, मैं पोस्ट करूंगा, आप उसमें वोटिंग जरूर करिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।